आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्रॉम ए विंडो h मीटर्स हाई अबव द ग्राउंड ऑफ ए हाउस इन अ स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट आर theta and phi respectively, so that the height of the opposite house is h 1 plus 10 theta into cot 5 meter. ठीक है, तो हमारा ये एक हम डायग्राम ड्रॉ किए हैं। तो इस डायग्राम में सबसे पहले क्या क्या है वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। तो इस डायग्राम में सबसे पहले लेट c बी द पोजिशन ऑफ अ विंडो ऑफ हाउस विंडो ऑफ हाउस ए सी, ठीक है, विच इज एच मीटर अबव द ग्राउंड, एच मीटर्स अबव द ग्राउंड, ठीक है, डेट इज ए सी इज इक्वल टू एच, ठीक है, मीटर। और BE हमारा हाउस है ऑपोजिट साइड्स पे, BE बी द हाउस ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ स्ट्रीट, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द ऑपोजिट हाउस फ्रॉम द विंडो सी बी विंडो सी बी थीटा एंड फाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये सारा चीज हमारा डायग्राम का मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो एंगल डी सी ई हमारा क्या है, एंगल डी सी ई हमारा क्या है, ये वाला एंगल डी सी ई, ठीक है, हमारा है थीटा, ठीक है। और एंगल बी सी डी हमारा क्या है, बी सी डी बी सी डी, ठीक है, बी सी डी हमारा क्या है, फाई, ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। अब उसके बाद फिर हम डी ई को एक्स मान लेते हैं, लेट डी ई इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। तो अब राइट ट्राइंगल सी डी ई देखेंगे, इन ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई में टेन थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू डी ई अपॉन सी डी, ठीक है, तो टेन थीटा हमारा क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन, सॉरी ये हमारा टेन थीटा नहीं, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, यहां से हमने ये कर दिया कि सी डी को इधर ले आते हैं और टेन थीटा को उधर ले आते हैं, तो सी डी इज इक्वल टू डी ई अपॉन टेन थीटा, ठीक है, तो सी डी इज इक्वल टू डी हमको पता है एक्स है, तो सी डी इज इक्वल टू एक्स कॉट थीटा, ये हो गया इक्वेशन वन, ठीक है। अब राइट ट्राइंगल बी सी डी में, इन ट्राइंगल बी सी डी में टेन फाई, टेन फाई इज इक्वल टू क्या, बी डी अपॉन सी डी, ठीक है, इसमें से भी हम सी डी को इधर ले आएंगे और टेन फाई को नीचे लेते जाएंगे, तो सी डी इज इक्वल टू बी डी बाई टेन फाई, ठीक है, तो बी डी हमारा क्या है, एच है, तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कॉट फाई, ये हमारा हो गया इक्वेशन टू। तो फ्रॉम वन एंड टू दोनों सी डी के बराबर है, तो फ्रॉम वन एंड टू हमको क्या मिल जाएगा, वी गेट
एक्स कॉट थीटा इज इक्वल टू एच कॉट फाई, ठीक है। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एच कॉट फाई बाई कॉट थीटा, यही चीज हमारा एक्स आ जाएगा। तो विच इम्प्लाई डेट एक्स इज इक्वल टू एच कॉट फाई इंटू टेन थीटा, ठीक है, ये चीज हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हाइट ऑफ अपोजिट हाउस, हेंस जो चीज हमें निकालना था, हाइट ऑफ अपोजिट हाउस जो कि हमारा क्या है बी ई इज इक्वल टू क्या है बी डी प्लस डी ई, ठीक है। बी डी हमारा क्या है एच प्लस एक्स, ये हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू हमको पता है एच प्लस एच कॉट फाई इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो एच कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एच वन प्लस कॉट फाई इंटू टेन थीटा, कॉट फाई इंटू टेन थीटा, यही हमें प्रूफ करना था और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप यू गाइज विल गेट इट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।